क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है यहाँ तक हमने फोर पॉइंट थ्री तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं इसके अंदर टू ही क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चला हूँ बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप ख़ुद ट्राई करना और मेरे चैनल पे आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके जरूर लिखना इस पर कॉमेंट नीचे कॉमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो आगे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकल क्या होता है जैसे हमारे पास ये ग्राफ में हम क्वेश्चन करते थे एक्स और वाई और ये वाला जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट होता है कि हमारे पास इस ज्योमेट्री के ऊपर हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है किसको रिप्रेजेंट करना है ऑफ वाई इजिकल टू थ्री अगर वाई इजिकल टू में कितना दे रखा है थ्री एज एन इक्वेशन ये क्या दे रखी है एक इक्वेशन दे रखी है इन वन वेरिएबल तो देखो हमारे पास वन वेरिएबल की बात करूं पहले तो वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं जिसको चर बोलते हैं जिसमें हमारे पास चर होते हैं जिसमें ए बी सी डी ये जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं एक्स वाई जड ये कोई भी अगर एक हमारे पास होता है एक एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू होती है ए बी ए में बी में सी में तो वो क्या कितना होता है वन वेरिएबल होता है और अगर देखो मान लो टू वेरिएबल की बात करूँ टू वेरिएबल्स में क्या हो गया अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखिये एक्स वाई जिकल टू में फाइव दे रखी है तो इसमें वेरिएबल कितने हो गए एक्स हो गया और एक वाई हो गया दो वेरिएबल हो गए और यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है वाई जिकल टू में थ्री तो इसमें वेरिएबल कितना है एक ही वेरिएबल है वाई तो और ये वाली क्या है थ्री जो दे रखी है थ्री और फाइव ये जो है वे क्या होते हैं कॉन्सटेंट ये होते हैं कॉन्सटेंट जिसको एचर बोलते हैं ये वाले क्या होते हैं चर ये एचर होते हैं जो कांस्टेंट संख्या होती है जैसे एक वन टू थ्री फोर फाइव या माइनस की वैल्यू होती है ये वाली जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जिसको सिंपल डिजिट बोलते हैं हमारे पास सिंपल संख्या जो होती है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है और वेरिएबल क्या होते हैं जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं जो ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट हैं उनमें से अगर एक ही वेरिए एक ही उसमें समीकरण लिख रखी है इक्वेशन लिख रखी है तो वो वन वेरिएबल होता है और उसमें दो अल्फ़ाबेट यूज हो जाते हैं जैसे एक्स और वाई यूज हो गया तो उसमें वो कितने वेरिएबल होते हैं टू वेरिएबल तो अब हमारे पास क्वेश्चन में है वन इन वन वेरिएबल तो देखो यहाँ पे जो वाई इज इक्वल टू में है क्या ये इक्वेशन कितने वेरिएबल की है वन वेरिएबल की है तो इक्वेशन इक्वेशन वाई इज कैन बी ये क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है रिप्रे रिप्रेजेंटेड इन इतने वेरिएबल में वन वेरिएबल वन वेरिएबल तो ये वाली क्या है वन वेरिएबल तो ये वन वेरिएबल में है ऑन हमें क्या करनी है इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है ऑन ए नंबर लाइन इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर जो वन वेरिएबल इक्वेशन है थ्री ये वाली जो इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर क्योंकि ज्योमेट्रिकली इसका सोल्यूशन करना है तो वाई इक्वल टू में थ्री है तो वन वेरिएबल में है तो देखो हमारे पास ये नंबर लाइन हमारे पास नंबर लाइन के अंदर यहाँ पे जीरो इसके इस तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे यहाँ पे वन टू और थ्री नंबर लाइन के ऊपर वाई जिकल टू में थ्री तो वाई जिकल टू में थ्री क्या है वाई जिकल टू में थ्री हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई जिकल टू में थ्री हो जाएगा वाई का मान कितना है थ्री है तो एक वन वेरिएबल में होगा उसके अंदर एक सिंगल ये जो होती है नंबर लाइन के ऊपर ये दिखा सकते हैं हम ये नहीं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे एक्स और वाई इसकी कोई जरूरत नहीं होती है हमारे पास ये हमें एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कितना है एक ही वेरिएबल है उसके बाद अगर हम बात करें इस सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है इन टू वेरिएबल टू वेरिएबल करना है लेकिन हमारे पास वाईजिकल टू में थ्री को लेकर के ही हमें टू वेरिएबल करना है तो देखो जैसे हमारे पास सेकेंड पार्ट हम सोल्व करते हैं फोर टू वेरिएबल टू ये तो क्या है एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रही है और इसको अगर हम टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें वी विल बी वी विल यूज इसका हम यूज कर सकते हैं किस प्रकार से कार्डिजिन प्लेन में कार्डिजिन प्लेन होता है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई जेड ये दो प्लेन होते हैं एक्स प्लेन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये वाला जो होता है तो इसके अंदर अगर हम इसको यूज करें तो क्या आ जाएगा तो देखो हमारे पास उसके अंदर इसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल चाहिए एक तो है हमारे पास वाई इजिकल टू मे फाइव इसके साथ अगर मैं कोई एक वेरिएबल ले लूँ जैसे मैं एक्स ले लूँ और इसके मल्टीप्लाई में कर दूँ जीरो क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो तो बस इतनी है वाई इजिकल टू मे फाइव ये वाला हमारी तरफ से ले रहे हैं तो वाई ये जीरो इजिकल टू में एक्स ये जो ले रहे हैं हम अगर इसकी जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इट ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये क्या है अब क्वेश्चन तो हमारे पास टू वेरिएबल बनाना था क्योंकि देखो सोल्यूशन हमें करना था उसमें टू वेरिएबल होने थे तो टू वेरिएबल बनाने के लिए एक्स मल्टीप्लाई जीरो से वाई जिकल टू में क्या कर सकते हैं हम ये वाला इस तरफ जाके माइनस जीरो एक्स आ जाएगा अब इसके लिए हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है तो इसके लिए हम कर देते हैं टेबल फोर फोर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं एक बार देखो एक्स और वाई एक बार एक्स को जीरो वाई, वाई को जीरो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स का तो कुछ मान आएगा ही नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वाई का मान जीरो रख दू वन रख दू टू रख दू तो एक्स का तो कुछ ही मान नहीं आएगा क्योंकि एक, एक तो यहाँ पे क्या है जीरो इन टू में एक्स है अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा अगर मैं मान लो एक्स की जगह वन रख देता हूँ एक्स की जगह वन रख देता हूँ तो वाई जिकल टू में फाइव माइनस जीरो मल्टीप्लाई वन ये जीरो जाएगा और वाई जिकल टू में कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा फाइव और एक बार हम एक्स की जगह कितना रख दें टू रख दें एक्स की जगह टू रख दें तो एक्स की जगह यहाँ टू टू के साथ वन जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ज़ीरो हो जाएगा और वाई का मान फिर से कितना आ जाएगा फाइव ऐसे ही मान लो आप एक्स की जगह कितना रख दो थ्री ऐसे ही अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे हम एक्स की जगह थ्री और रख दो तो भी ये कितना आएगा फाइव आएगा ऐसे ही जीरो रखोगे तो भी ये फाइव आएगा तो इसको क्या करेंगे हम नंबर लाइन के ऊपर ये कार्डिजन प्लेन के ऊपर अगर रिप्रेजेंट तो इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा देखो ये वाला ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस और ये वाला क्या होता है वाई एक्सिस और यहाँ से एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू जीरो होता है और y एक्सिस पे क्या होता है x इज इक्वल टू जीरो होता है नंबर हमें चाहिए इस पे तो चाहिए वन टू और थ्री थ्री तक नंबर चाहिए इस पर चाहिए हमें वन टू थ्री फोर और यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास फाइव तो ये हमारे पास फाइव एक नंबर चाहिए हैं तो अब हमारे पास टेबल थी हमारे पास एक्स की वैल्यू वन टू थ्री चेंज होती रहेगी और वाई की वैल्यू क्या है सेम रहेगी फाइव 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 तो देखो यहाँ से अगर हम टू वेरिएबल्स में इसको सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव तो ये यह यहाँ मिल जाएगा एक्स की वैल्यू टू है वाई की वैल्यू फाइव है तो यहाँ मिल जाएगा एक्स की वैल्यू थ्री है वाई की वैल्यू कितनी है फाइव ये यह यहाँ मिल जाएगा तो अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें तो ये क्या बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये क्या बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा किसका एक्स जीरो प्लस वाई इजिकल टू में फाइव के लिए इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा और वैसे अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ही हमारे पास वाई इजिकल टू में फाइव था अगर हम इसको कार्डिजन फॉर्म में इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसका ग्राफ यही बनना था यही इसका क्या बनना था ग्राफ बनाना था अगर नंबर लाइन पे बनाते हैं तो इसका ग्राफ यही बनना था नंबर लाइन के ऊपर ये हमारे पास थ्री जो पॉइंट है वो नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया और अगर हम कार्डिजन प्लेन में दिखाएं दो डबल एक्सिस के अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर दिखाएं तो ग्राफ यही बनना था एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनना था तो ये बन जाएगा इसका सेकंड पार्ट का ग्राफ तो ऐसे ही बिल्कुल डिक्टो सेकंड क्वेश्चन है और अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है बिल्कुल सेम है कुछ फर्क नहीं है उसमें भी वन और टू वेरिएबल दे रखे हैं और सेकंड क्वेश्चन दे रखे है उसके अंदर बस इक्वेशन चेंज है और यहाँ से बिल्कुल सेम सोलूशन है और फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद